की शुरुआत करते हैं, बात एक बड़ी खबर की करते हैं। बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में उनका एक और विवादित बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सिंदूर न लगाने वाली महिला को खाली प्लॉट कहकर संबोधित किया। पंडित शास्त्री ने कहा कि अगर शादीशुदा महिला ने सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहन रखा तो उनको देखकर हम लोग यही सोचते हैं कि प्लॉट अभी खाली है, और अगर मांग में सिंदूर लग गया और गले में मंगलसूत्र बंध गया तो हमें दूर से ही समझ आ जाता है कि रजिस्ट्री हो चुकी है। तो इस तरीके का विवादित बयान उन्होंने दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से धीरेंद्र शास्त्री बाबा सुर्खियों में आ गए हैं। वो बयान क्या था, वो जो वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है, पहले वो सुन लेते हैं। अच्छा आप बताओ, किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान होती, पूछो क्या, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हैं? हाँ जी या ना जी, अरे बोलो। अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं, भाई ये प्लाट अभी खाली है। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो चुकी। अच्छा आप बताओ। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी देखिए, अक्सर धीरेंद्र शास्त्री की हम बात करते हैं, उनके विवादित बयान इससे पहले भी सामने आ चुके हैं, एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है जिसको लेकर अब वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं और चर्चाएं भी हो रही हैं। देखिए भारतीय संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो चाहे मांग का सिंदूर हो या महिला के गले में मंगलसूत्र, दोनों की अपनी महत्ता है और उसको बताया भी गया। लेकिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री जिस अंदाज में कह रहे हैं वो थोड़ा सा विवादित हो सकता है, जिसके कारण ये विवाद गरमाया है। हालांकि उन्होंने एक तरह से इशारा वही किया कि जिनकी शादी नहीं होती है वो सब ये नहीं करते हैं, पर शादी होने के बाद तो अमूमन यही माना जाता। लेकिन निश्चित रूप से वो बयानों को लेकर कई बार चर्चा में आ जाते हैं, ये बयान भी चर्चा का विषय बनने वाला। चीजें बदली है, समय बदला है, जरूरी नहीं है कि इन सब चीज का होना हो, क्योंकि अब पहले जैसा दौर तो रहा नहीं, लोगों को दफ्तर भी जाना है, अपने काम भी देखना है, और उन चीजों को दृष्टिगत रखते हुए कुछ बदलाव भी आए हैं, तो ये सब चीजें भी देखने को मिलती। लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति परंपरा की तरफ इशारा करते हुए एक तरह से कहा जाए तो आईना भी दिखाया है, लेकिन ये आईना दिखाने की तरीका कुछ और होता है। उनको एक कोई भी धर्मशास्त्री हो, जब वो अपने बयान देते हैं, अपनी बातें करते हैं, तो उनसे उम्मीद यही की जा सकती है कि बहुत अलग तरह से वो अपनी बातें रखें जिसमें किसी को बुरा भी ना लगे। लेकिन मुझे लगता है बात ही बात में कहने का अंदाज उनका थोड़ा सा बदल गया, इसलिए विवाद में आ गया, और मुझे लगता है दिन भर ये गरमाने वाला है, अब ये मुद्दा चर्चा का विषय भी बना रहेगा। जिस तरीके से ये बयान बार बार सुर्खियों में आ रहा है, ऐसे में उम्मीद यही है कि ये मामला भी और गरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए। अच्छा आप बताओ, किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान होती, पूछो क्या, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हैं? हाँ जी या ना जी, अरे बोलो। अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं, भाई ये प्लाट अभी खाली है। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो चुकी। और चलिए आगे।